हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड, आज हम पैकेज एसी की मोटर रिप्लेस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पैकेज एसी की मोटर दोस्तों, इसकी वाइंडिंग गई हुई है। तो इसको कैसे चेक करना है, हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। तो चलिए दोस्तों, हमने जैसे कि आपको नज़र आता है, हमने पैलन को अच्छी तरह से खोला हुआ है। अभी इसको वन बाई वन हम आपको बताएंगे इसकी वाइंडिंग कैसे चेक करनी है। तो चलिए हम मीटर की ओर जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने क्लाइम मीटर लिया हुआ है। हम इसकी कॉन्टिन्यूटी पे इसको सेटिंग कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पहले ऐसे चेक कर लेना है, बीच में साउंड आना चाहिए। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं, हमने कंडेंसर की वायर निकाली हुई है, इसको वन बाई वन चेक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, तीनों में आवाज़ आ रही है, तो इससे पता चलता है हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो शॉर्ट हुई है। तो इसको ऐसे बॉडी के साथ में टच भी करके देख लेना है, तो आपको अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएगा। तो इसके बाद में हमने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा, मोटर दो मोटर होती है, जैसे कि आपको मालूम है इसमें दो मोटर होती है। इसको हमने कैसे ट्रेस करना है, हम अपने झुंड को पहले ऑन करेंगे, उसके बाद में जहाँ से प्रेस करेंगे उसके बाद में हमको कंफर्म हो जाएगा हमारा कौन सा मोटर गया हुआ है। तो चलिए मैं अभी एसोलेटर की ओर जाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एसोलेटर का स्विच ऑन कर लेंगे। जैसे हमने एसोलेटर का मोटर ऑन किया, उसके बाद में दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारे मोटर की दो वायरें होती हैं। हमने एक मोटर की वायर निकाली हुई है, दूसरी जो जिसकी वाइंडिंग शॉर्ट है उसकी वायर पहले से निकाली हुई है। तो ऐसे करके हमने चेक कर लेना है, उसके बाद में हम जहाँ से एक प्रेस करेंगे हमको पता चल जाएगा कौन सी मोटर ख़राब है, कौन सही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो मोटर चल रहा है ये मोटर ख़राब है, तो अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो आपने ऐसे करके प्रेस करके चेक कर लेना। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको मोटर को खोलने के लिए दोस्तों, इसके ऊपर चार नट रहते हैं, इसके ऊपर जो गार्ड रहता है उसके नट है। तो ऐसे करके दोस्तों, हमने 10 का नट ड्राइवर लेना है, उसके साथ हम इसको वन बाई वन खोलेंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा जो कवर के नट है वो खुल चुके हैं, तो अभी हम कवर को उठाएँगे। जैसे फ्रेंड, हमने वो गार्ड का जो जाली है वो हमने निकाल लिया है। तो फ्रेंड, इसके नीचे में दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके नीचे में दोनों तरफ ऐसे ऐसे नट रहते हैं, जैसे कि आपको नज़र आता है, ऐसे ऐसे नट रहते हैं। हम अभी इसको भी खोलेंगे तो हमारा मोटर ऊपर आ जाएगा, जहाँ से इसके कनेक्शन हमने रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि आपको नज़र आता है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कंडेंसर मोटर निकाल ली है, आपको नज़र आती होगी। अभी हमने दोस्तों एक और वेंडिंग की हुई दोस्तों, अभी मोटर डालेंगे। तो सेम दोस्तों, हमने यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि आप देखा है, इसको 17 नंबर का दोस्तों चाबी लगता है। अभी हम पहले इसको बैठाएंगे, उसके बाद में दोस्तों फैन फिट करना है, इससे पहले फैन फिट नहीं करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसको कनेक्शन कर लिए, कनेक्टर लगा दिया। अभी इसके ऊपर टेप भी मार देंगे, कभी कभी दोस्तों बारिश होती है तो उसमें शॉर्टेज होने का दोस्तों खतरा नहीं होता है। तो अभी नट भी टाइट कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों, हमने क्या करना है, ऊपर फैन रखेंगे, उसके बाद में जाली, अभी वो आप इसी वीडियो में आपको बताते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है, हमने इसकी रोटेशन चेक करनी है। इसकी रोटेशन दोस्तों अभी से चेक कर लेंगे, जहाँ पर इसकी वायर चेंज कर लेंगे। क्या होता है दोस्तों, हम वहाँ से पैनल से करेंगे तो बहुत सारा दोस्तों वायर होता है, उसमें आदमी वन बाई वन चेक करना पड़ता है। जहाँ से हम इसकी रोटेशन चेक कर लेंगे तो ईजी हम दोस्तों जहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी इसकी रोटेशन चेक करते हैं, अभी ऑन करते हैं। तो फ्रेंड, ऑलमोस्ट हमारी जो रोटेशन है वो सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका कनेक्शन करके कवर लगाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने अच्छी तरह इसका नेट फिक्स कर लिया है, और जैसे कि मैंने बोला था, वायर को भी अच्छी तरह से टेप की मदद के साथ इसको बांध दिया है, और जहाँ से भी अच्छी तरह से बांध लेना है ताकि हमारा जो वायर है वो फैन में ना फंस सके। तो चलिए अभी हम फैन को फिक्स करते हैं। ऐसे करके दोस्तों, हमको फैन को रखना है और कोशिश करना है दोस्तों, जो ये इसका जो नट है वो ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर नहीं हो। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने फैन को फिक्स कर लिया है। अभी इसका जो
कवर रहता है वो ऊपर आके देख लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों हम इसको घुमा के चेक करेंगे हमारा जो फ़ैन है वो इस कवर के साथ टच तो नहीं हो रहा है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों सही है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको फिक्स कर लेंगे और इसको ऑन कर देंगे। सो फ्रेंड फाइनली हमारा जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी हमने एक्सीलेटर को ऑन किया हुआ है, देखते कभी उसकी सप्लाई आती है तो ये हमको आपको चलता दिखेगा। फ्रेंड जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा फाइनली वर्क कम्प्लीट हो चुका है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि जो मैं ऐसी वीडियो आप तक लेके आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और साथ ही फ्रेंड देख भी लेना है इसका जो हवा का फ्लो ऊपर ही आ रहा है नीचे आ रहा है, कभी कभी आपको जैसे कि मैं बोला था हवा का कनेक्शन गलत होने की वजह से दोस्तों मोटर का रोटेशन उल्टा भी घूमना शुरू हो जाता है। तो ये बात का थोड़ा ख्याल रखना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।